ममलेदा का। हम लोगों को टास्क मिला है स्टेज को अंदर ले जाने के लिए। कैसे ले जाना है? ये डिस्प्ले अंदर की तरफ रखनी है। राजा गन्ना कितना सुंदर केक बनाया आपके लिए। गिफ्ट के लिए मैं ये चेयर लाई हूँ। ओह माय गॉड। राजा आप क्या देख रहे हो? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। राजा आप मम्मा का प्यार करते हो कि डैडा का? मम्मा था। डैडा था। मम्मा था। मम्मा था। देखा किसका राजा? मम्मा डैडा का। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज मैं टाइम से रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि सारे काम बाद में, पहले रेडी होंगी, वीडियोस बनाऊंगी, उसके बाद कुछ करेंगे। एंड लिटरली मेरी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैंने कल लेग्स करी थी और अभी तक मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया। मतलब मैंने और विवेक ने सुबह का खाना नहीं खाया है। सुभांशु और शौर्य ने खा लिया है, हम खाएंगे थोड़ी देर में और यहाँ पर चलती है हमारी वीडियो। रसोई में रखने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, दरवाजा निकल चुका है। सो अभी हम लोगों को टास्क मिला है स्टेज को अंदर ले जाने के लिए। और शौर्य हमें कैसे ले जाना है? ये डिस्प्ले अंदर की तरफ रखनी है। नहीं नहीं, डिस्प्ले बाहर की तरफ रखनी है। इस साइड, उस साइड, तेरी तरह ऐसे वही ऐसे जाएगा। ये ऐसे ऐसे जाएगा अंदर ऐसे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे वो है ना, पिज़्ज़ा लेके आया ना, तो इसे बस लेके पापा के पास आ गया। Happy birthday पापा। Dear पापा। आप ही काटोगे? हाँ। मेरा केक आप काटोगे? Happy birthday. Happy birthday dear papa. Happy birthday to you. Oh my god, oh my god. Happy birthday. Happy birthday nanu. Pizza isne kha liya apna? Aur de rahe. Riyu pizza kha raha aaj? Ha. Happy birthday to you. Happy birthday. किधर? चलो 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 पापा के साथ। ओके लुलू आ जाएगा, सीधा पकड़ो, लुलू आ जाएगा सही से काटो, वरना यू भी काट देगा। आप जल्दी करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे तो एजी है, मैं तो एजी बोलूंगी ना। और मेरे नानू में मुझे भी दो स्पून। हैप्पी बर्थडे नानू। मैं भी खिला दूंगा। लो जी एजी लो जी। हाँ खा लो। अच्छा बड़े बाबू को? आप गंदे हो जाओगे। अरे वो बड़े को खिला रहा है। अच्छा बड़ा, बड़े को नहीं खिलाता आज आपने? आज खिला दिया। आपने क्या तैयारी की पापा के बर्थडे की? दिखाओ जरा। देखो दिखाओ। मैंने पिज़्ज़ा मंगाया। पिज़्ज़ा मंगाया? ओ भाई ये राजा, ये राजा ने अपने पापा के लिए केक बनाया है। ये केक तो ये अब ऐसे मत करो अभी राजा, अभी पापा को बुलाओ। पापा आओ। देखो तो इसने क्या तैयारी की। oh ये देखो। चलो केक काटो आओ। देखो राजा गन्ना कितना सुंदर केक बनाया आपके लिए। बड़े बच्चों की तरह। हाँ और मैं इसके लिए क्या लाया?
क्या लाए हो? जैम्स। ओह आपके लिए जैम्स रिटर्न गिफ्ट। वाओ सुबह से कह रहा माँ पापा का बर्थडे है, माँ पापा का बर्थडे है। माय गॉड अपने जितना ही बना दिया उसने, छोटा सा कुटू सा केक। आप काटोगे? चलो काटो। ओहो भाई बड़े ने भी खा लिया भाई। बर्थडे आपका था मेरा, आपको खिलाना चाहिए ना, मैं खिलाऊंगी आपको। तो आपने बुझा ही नहीं, बुझाओ। ओ भाई ये आपकी तरफ से भी, राजा की तरफ से भी हम अभी गिफ्ट लेके आएंगे, वो देना नानू को, ठीक है? मुझे पता है क्या लेके आएंगे। क्या? चॉकलेट, 3 कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी पापा ने, अब नहीं पीते ना। नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते अब, देखा तो पेट भी कम हो गया बिना कोल्ड ड्रिंक के। डांस कैसे कर रहे थे गाने पर? कैसे? वाह वाह। आपको किसका डांस अच्छा लगता है, बुआ का या ताऊजी का? मम्मा का। मम्मा का अच्छा लगता है। ओके ताऊजी का डांस अच्छा लगता है, डैडा का? डैडा का। ओके और आपको मंच अच्छा लगता है? सुभांशु, सीसी जी जो अच्छे लगते हैं, बुब्बो। अच्छा जी बेटा अच्छे लगते हैं या माँ? चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग। ओके बाद में छुपेंगे, ये वाला गेम रात को खेला जाता है, दिन में नहीं खेला जाता। ओके बच्चों जैसा आप लोग पार्टी में आए हो, बर्थडे पार्टी, तो आप क्या खाओगे? क्या हंस रहे हो तुम, तो बताओ। ये डेकोरेशन देख रहे हैं, बात तो बिल्कुल निकाल, आंटी जी मूड नहीं है। क्यों बच्चों आपको डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी? आंटी जी डेकोरेशन ही 4 बलून की तो खाने में उसमें से भी एक गिर गया बच्चों। डेकोरेशन पे 3-4 बलून 4 कैंडल्स तो क्या ही खाए। छुलप आपकी फरमाइश कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा सुनो गिफ्ट क्या क्या लाओगे पापा के लिए? नहीं यार गिफ्ट में तो जान लगा दो थोड़ी सी। मुझे ना अपनी फैमिली से यही बोलना है कि खुशी विवेक तो यहाँ है नहीं, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसी में ही पापा को संतुष्ट कर देंगे। गिफ्ट के लिए मैं विवेक की इच्छा लाई हूँ, क्योंकि विवेक जब गया वहाँ मुंबई तो एक चेन मुझे पहना के गया था, और मेरे पास ऑलरेडी है, पापा के पास थोड़ी बारीक है, तो मैं ये पापा को गिफ्ट करती हूँ। विवेक देख ले तेरी खुशी की तरफ से, निशु नितिन यूवी सबकी तरफ से चेन गिफ्ट कर रही हूँ पापा को। ये लीजिए पापा जी, मंगलसूत्र पहना दिया। चिंता नहीं कर रही? नहीं चीटिंग कुछ नहीं है, एक दी। यो क्या यो किस तरह का गिफ्ट है भाई, एक दे दी एक ले ली, पतली ले ली ना, इनका प्रमोशन प्रमोशन हो गया, पापा का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन लगाई दो पापा को गिफ्ट। ओह माय गॉड। मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है, लाओ लाओ। आग बंद करो, लड्डू बहुत पसंद है, चलो कोई नहीं खिला देता है, ठीक है मुंह खोलो, आग बंद करके, आग बंद करके खाओ। मुझे पता है आपको बहुत पसंद है पूरा। ये वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप समझ भी नहीं सकते गाइस, ये हो चुकी है थोड़ी सी और देता यार, पैग बना दो अगे। सो ये है वॉटर जिसको हम एज अ ड्रिंक यूज करने वाले हैं अपनी वीडियो में। चलो एक खुशी ने डिसाइड किया था कि मेरी डाइट बनाएगी हमेशा, मेरी डाइट बनाने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच बुगू, वेलकम। अब थोड़ा फास्ट कर लो उसको, परफेक्ट। सो यहाँ पे हो रही है मेरे लिए एग भुर्जी रेडी, क्योंकि भाई इतनी भूख लगी थी मुझे, और ओह माय गॉड कम मसाले वाली है बिल्कुल। और बच्चा पार्टी ने खाना खा लिया था अपना, लेकिन मैं बिल्कुल कब से दूर हो चुका हूँ, जितना कम खाऊंगा उतना बेटर, खा जाता हूँ फिर भी किसी ना किसी चीज़ में, लेकिन ट्राई करेंगे कम से कम खाएं। सो यहाँ पे हो चुकी है डाइट रेडी, एंड बिग थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। अब आपको ये एक बार नहीं दिन में 3 या 4 बार रेडी करनी है मेरे लिए अच्छी अच्छी डाइट, एंड वी विल डू आवर बेस्ट, मतलब हम लोग अपना बेस्ट वर्जन देंगे। रात को मैं आपको नमक वाला दलिया बना खिलाता हूँ सबको। हाँ हम तीनों को बिरयानी मंगवाएंगे। सॉरी मैं दलिया खा लूंगा फिर।
थैंक यू गाइस। वीडियोस डन, काम डन, सब कुछ डन, मतलब काम डन ही काम आके होगा। और कुछ बहुत जरूरी जरूरी सामान लेने थे, इसलिए हमें आज ही निकलना, मतलब अभी निकलना बहुत जरूरी था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, उसके बाद विवेक का जिम नहीं जाएंगे, मैं अकेली जिम जाऊंगी। और पहले मैं जाके ना एक मुझे क्रोकरी शॉप ढूंढनी है आसपास, उसी का मैंने मैप चला रखा है, पहले क्रोकरी शॉप चलेंगे। एक और बड़ा खर्चा होते हुए यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन एंड अपनी एक वाटर प्यूरिफायर स्ट्रीमर एक एलईडी, मजा आने वाला है, मजा आने वाला। बाबू आप मोची के पास जा रही है ना, मोरा मोची सामने नहीं। मोची के पास नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ बेस्ट साइड। मुझे कौन सा टाउन, मैं जा रहा हूँ अपोजिट साइड, मैं अपोजिट साइड जा रहा हूँ। अभी डाइट का इंतजाम करना था तो हम लोग आ चुके हैं KFC, यहाँ पे मैं खाने वाला हूँ चिकन। डाइट चल चुकी है गाइस, बाइसेप्स बनेंगे अब, डोले बनेंगे अब, तो इसलिए डाइट के लिए, डाइट की वजह से सब कुछ खाना पड़ता भाई। लेकिन यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे विवेक से कंटिन्यू जिम जाते देखे, क्योंकि मुझे ना रेगुलर था अंदर से कि यार मेरी वजह से, मतलब आपने जिम छोड़ी, ऐसी जिम छोड़ी, जिम कर नहीं पाई। तो पहले शादी से पहले ना दुनिया इधर की उधर हो जाए, इवन शादी के 6 महीने तक भी ये जिम नहीं छोड़ते थे। फिर मैंने क्या कहा कि हाँ जिम 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 नहीं जाना है, मेरे घर वालों ने, लड़का बड़ा होता जा रहा है, लड़की छोटी सी है, अब हम दोनों जा रहे हैं इसलिए। उसे चिढ़ाने के लिए खिलौना लेके गया उठा के कि मैं तो इसके साथ खेल लूंगा, उसे चिढ़ाएगा। दोनों का मन लग गया होगा लेकिन इनका ना गोगो मिल गया कोई परेशान करने के लिए। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वो उसके घर में बैठ गई कि अपने घर में चिढ़ाऊंगी आएगा जब, डर गई। अब चल उसकी तरफ, उतरना ही पड़ेगा बेटे नीचे से उठाने के लिए तो। ले ले वो देख, वो देख कितनी तेज है, वो देख ए बेटे। गई थी मैं अकेली जिम करने क्योंकि विवेक का आज थोड़ा चेस्ट पेन था, इसलिए वो नहीं गए। और अभी जस्ट मैं हम लोग दी के घर, वो लोग दी के घर पहले आ गए थे, मतलब दी के मम्मा के घर पे, आंटी जी के घर पे, तो वो लोग दोबारा चले गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जिम कर लेती हूँ। तो अभी मैं भी आई थी अंकल और उसे मिलने, तो विवेक मुझे नीचे मिल गए थे, वो कहीं जा रही है, क्योंकि ना मैं ऊपर चलती हूँ। तो आज है पापा का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पापा, गॉड ब्लेस यू। एंड राजा की तबीयत की वजह से एंड पापा को मैंने केक भेज दिया था, पिज्जा भेज दिया था, कोल्ड ड्रिंक पापा ने छोड़ दी है। ओके सो पापा का बर्थडे है एंड हम लोग सोच रहे थे माँ और पापा का बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। 15 सितंबर चली गई, 21 सितंबर चली गई, अब धूप भी बहुत हो रहा है, लेकिन राजा की तबीयत खराब हो गई थी, हम नहीं चाहते थे कि मुंबई आके और प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एकदम से वेदर चेंज होने की वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। अभी क्या करते हैं, अभी कोई चक्कर नहीं, हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे चीज़ों को ऐसे ही। लेकिन आई मिस यू पापा बहुत सारा, लेकिन जिस दिन आप यहाँ हो गए फिर हम लोग पार्टी दोबारा करने वाले हैं आपकी, आप दोनों की बर्थडे और अच्छी जगह चलेंगे, दोनों फैमिली जाएगी अच्छी जगह, कहीं जाके चिल करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और यार आई मिस यू, मतलब आज मेरी फैमिली की इतनी याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बस कुछ मेरे वर्कर्स ही हैं जो मेरे साथ साथ दे रहे हैं, शुभांशु, शौर्यर, खुशी। अरे तुम लोग अंदर सो जाओ, तो मैं ही हूँ अकेला। तो कल से हमारे यहाँ दीदी भी आने वाली है काम करने के लिए। पहले बता सबको कि तू हमारे साथ क्यों नहीं जाता, हम लेके नहीं जाते, अपने मन से जाता बस। तो मैं क्लियर कर दूं भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि आप शौर्य को साथ में लेके जाते, शौर्य को भी आप, इसको मैं कहती भी ना कभी चल, बेसिकली क्या करेंगे जाके, एग्जैक्टली बेसिकली ना शौर्य ऐसा कम इंटरेक्ट करता है सब लोगों से, मतलब इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, तो उसको घर पे रहना पसंद है इसलिए बाहर नहीं जाता। लेकिन एक चीज है, इसको ना मतलब शुरू से इन कामों में रहा था, ऐसा कुछ बना के खिलाना बहुत पसंद है, तो बनाने वाला टाइम मिल गया। शौर्य तूने खाना खाया बेटा? नहीं। क्या खाएगा बता, जानू मंगाए कुछ? मैंने बोल रखा था इन लोगों को, तुम लोगों को बिरयानी खिलाऊंगी, तो खिला दी? नहीं मैं अभी मंगवा रही हूँ। तो अभी हमारी बिरयानी रेडी है, हमने आज डिनर में मंगवाई है बिरयानी। वैसे मैंने विवेक को घर पे कुछ बना के देना था, बट बहुत ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए हमने सोचा हम बिरयानी मंगवाते हैं। ये है मेरी प्लेट, सुबह मजे से लगा हुआ है, और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर देखेंगे मूवी। इनका रूम मैंने नहीं बता, शौर्य ने सेट कर दिया है, ये सोएंगे उधर, हम सोएंगे ओ उस कोने में। बहुत टेस्टी है ना, अल्टीमेट है, खा के देखती हूँ मैं। आपकी पसंद की थी, मैंने आपको दो रेस्टोरेंट दिखाए,
कि देख लो किसकी है। और जो हमने तंदूरी इसमें ऐड करवाया था ना चार, वो तो प्याज भेजी उन्होंने।